सेरी के मसला जो हम देखें तो सेरी के अंदर सेरी फजर से पहले पहले की जाएगी अपने अपने इलाके के एतबार से, अलग अलग वक्तों में अलग अलग इलाकों में अलग अलग दूसरे वतन में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अलग वक्त होता है। तो अपने अपने इलाके के एतबार से टाइम आगे पीछे होता है। तो आजकल तो कार्ड भी बांध दिए जाते हैं तो उससे मालूम पड़ जाता है इतनी बजे सेरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो इस सेरी जो है उसको हम करें, और सेरी करना जो है ये अच्छा अमल है, इसको करना चाहिए। सेरी में बरकत रखी गई है, इसको बिला वजह तर्क नहीं करना चाहिए, बिला वजह इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसको कुछ ना कुछ, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने हिबान की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 3476 कि सेरी करो चाहे एक घूंट पानी ही पियो। तो अल्लाह के रसूल ने उभारा है कि बिला वजह सेरी को तर्क ना करें। ये नहीं आदमी सोचे मैं तो रख सकता हूँ, कौन उठे फजर में उठेंगे, अपनों एक घंटा और मिल जाएगा सोने के लिए। तो अगर उठ गया है उसकी नींद खोली है तो सेहरी करे, सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने उसकी ताकीद की है। और इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 1923, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि सहर खाओ, सेहर के अंदर बड़ी बरकत है। तो इसमें बरकतें रखी गई है, इसके अंदर बरकत रखी गई है, तो सेहरी करना चाहिए। तो रोज़ा रख रहे हैं तो सेहरी कर कर, अगर हमारे पास मौका है उड़ गए हैं तो सेहरी खा कर ही हमको रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन सेहरी खाना सुन्नत है, मुस्तब है, अच्छा है, बरकत वाला अमल है, लेकिन फ़र्ज नहीं है। कोई आदमी अगर नहीं उठ पाया तो उसने सेहरी की इतनी बरकत है कहा गया और अब तो मैंने सेहरी नहीं की, मेरी नींद नहीं खुली तो अब मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं, वो रख सकता है। अगर कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं है, उसकी ताकत है उसके अंदर, इतना कमज़ोर नहीं है कि बिना खाए वो शाम तक रह सकता है, तो उसका रोज़ा पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये फ़र्ज नहीं है, ये मुस्तब है और जो है सुन्नत है। छूट जाए तो रोज़ा फिर भी दुरुस्त हो जाएगा।